नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से सब कार्य चल रहा होगा हमेशा की तरह। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कहरवा ताल में एक बहुत ही सुंदर तिहाई में आपको बताने वाला हूं, जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं बीच बीच में जब भी आप संगत करते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस स्टूडेंट के लिए लेसन है, जो लोग अच्छे से कहरवा बजाते हैं और उनको जरूरत है कि बीच में जैसे कि टुकड़े या तिहाइयां या लग्गी वगैरह की जरूरत है, जिनको ऐसी नीड रहती है उनके लिए ये तिहाई है। हालांकि जो बिगनर हैं वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस तिहाई को बजाने के लिए आपकी थोड़ा सा लय बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप अलग ना हो लय से, या फिर जहां पर आप संगत कर रहे हों जिन सिंगर के साथ, हो सकता है कि वो अलग हो जाए। तो क्योंकि अक्सर कुछ भी हम बजाते हैं, चाहे वो लग्गी है, तिहाई हो या कोई पैटर्न हो, उसको सही से बजाने के लिए हमारी लय मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी लय सही है, आपको समझ है लय की कि मैं मतलब किस तरीके से मैंने लय को मेंटेन रखना, कई बार ऊपर नीचे भी लय हो जाती है सिंगर के साथ या आप लाइव में कहीं बजा रहे हैं, तो उसको समझ के उसके साथ साथ मतलब समझ के मतलब अपनी सूझबूझ से उसको सही करना होता है। लय को ऊपर जा रही है तो ऊपर थोड़ा सा मेंटेन करना होता है। तो मेन आपके हाथ में, अगर आपके पास लय है तो कोई भी पैटर्न आप बजाएंगे तो वो बिल्कुल फिट होगा, आप गाने से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपको लय का मतलब थोड़ा भी आइडिया नहीं है और आप लग्गियां बजा रहे हैं या कुछ बजा रहे हैं तो वो फिट नहीं होता है। इसके लिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि लय का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप लय की प्रैक्टिस करें, मेट्रोनोम के साथ आप प्रैक्टिस करते रहें, लहरे के साथ प्रैक्टिस करें और उसको समझें। एक लय में ज़्यादा से ज़्यादा रियाज करें, अलग अलग लय में नहीं कि थोड़ी देर इस लय में। लय तब बनती है जब आप एक लय में काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो नंबर देख सकते हैं साइड में। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी प्रोसीजर है ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने का वो मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप यूट्यूब से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर दें और बेसिक से देखना स्टार्ट करें। एडवांस तक सभी लेसन यहाँ पर अपलोड है, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, चलिए। जब भी आप कोई किसी भी स्पीड में अगर कहरवा बजा रहे हैं, सपोज स्लो में या थोड़ा सा फास्ट मीडियम वाला जो कहरवा है उसमें, तो ये जो तिहाई में बताने वाला हूँ आप दोनों में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा एग्जांपल के लिए आपको बजा के दिखा देता हूँ। जैसे कि इस तरीके से ये बजाना है आपने। ठीक है, बिल्कुल लय के साथ। और इसके बोल देखते हैं आपने किस तरीके से बजाना है। शुरू वाला जो बोल है वो है किट, उसके बाद है धाल धाल धा, किट धाल धाल धा। ठीक है, की का की हमने बजाया यहां से बेस साइड से, बिल्कुल का वाला बोल इसको इस तरीके से, और टा बजाया दूसरी और तीसरी उंगली से स्याही के ऊपर चांटी पे। ठीक है, यानी कि हमारे रिंग फिंगर रहेगी और मिडिल फिंगर रहेगी। ठीक है, स्याही के ऊपर, उसके बाद धा, तो धा साइड में बजेगा, और ना जो बजाना है वो रिंग फिंगर से तीसरी उंगली से चांटी पर, किनार पर। ठीक है, इस तरीके से स्याही के ऊपर यहाँ पर बजा सकते हैं। ना जो ना वाला जो बोले धा के बाद जो ना आएगा, धान इस तरीके से, धान धान धा। ठीक है, धान धान धा यहाँ पर रुक जाना है, उसके बाद है तेर के धान धान धा, फिर तेर के धान धान धा। ये तिहाई है, इसके शुरू में किट लिया हमने, त्रिकिट नहीं लिया, शुरू में लिया हमने किट धान धान धा। ठीक है, तो पहले ये वाला पार्ट देखते हैं, की धान धान धा, उसके बाद है तीर किट, त्रिकिट बजाए ऐसे जल्दी नहीं, लय के हिसाब से थोड़ा मतलब आड़ी टाइप में चलेगा, जैसे कि तिर किट धान धान धा, ती र ती। ठीक है, उसके बाद धान धान धा, फिर उसके बाद तिर किट, फिर धान धान धा, लास्ट टाइम एक बार फिर से देख लें बिल्कुल स्लो में। ठीक है, ती ठीक है, उसके बाद धा धा से बजाया,
धा फिर न फिर उसके बाद धा न उसके बाद धा, यहाँ पर रुक के फिर से त्रिकिट उसके बाद फिर यही यही वाला बोल धा न धा न, इसके बाद फिर कंटिन्यू रिपीट होगा फिर धान धान धा, है ना, ये तिहाई है। धान धान धा तेर धान धान धा तेर धान धान धा धान धान धान, ठीक है। इसको बजाएंगे किस तरीके से, एक ये वाली तिहाई और देख लेते हैं ये किस तरीके से बजानी है आपने, ठीक है। ये भी थोड़ा एडवांस लेवल की है, ठीक है। जैसे कि आप कहरवा बजा रहे हैं तो जैसे कि इसको समझने के लिए वही इसको बजा पाएगा जो थोड़ा लैग को समझता है, ठीक है। इसकी बोले एस धा धाते धा एस धा धाते धा एस धा धाती, एस वाली जगह पर पॉज है, साइलेंट नोट है, बिल्कुल वहां पर कुछ बजा हुआ नहीं है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि कहरवा बजा रहे हैं, देखो धेटे धाता तेटे धाता पूरा बोल बजाए, उसके बाद सम साइलेंट हो गया, एस धा धा एस धा धा, या फिर क्लैप का आप यूज कर सकते हैं या खाली का यूज कर सकते हैं, जैसे कि तब भी आप समझ जाएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है लेकिन इसको समझना हार्ड है, ठीक है। देखें कहरवा बजा रहे धिट धाता तिट धाता एस धा धाती धा एस धा धाती धा एस धा धाती, ऐसे बोल लिखे में तो एस की जगह पर थोड़ा साइलेंट है, समझना पड़ेगा आपको, जैसे कि बोलना पड़ेगा एस धा धाती धा, इसको बजाना नहीं है, माइंड में रखना केवल साइलेंट नोट है, ठीक है। एस धा एस धा धाती धा एस धा धाती धा, ठीक है। उसके बाद एस धा 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 ये बोल रहे हैं, ठीक है। एक बार दोबारा देख लें एस धा, तो धा हमने जंप किया, ठीक है। एस धा धा एक धा जंप किया और एक पीछे की तरफ, तभी अच्छी लगेगी तिहाई, ठीक है। एस धा 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 एस धा 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 एस धा धा धा, ठीक है। दोबारा देखें एस धा धा टी धा एस दिख रहे हैं कैसे मैं बजा रहा हूं, ठीक है। एस साइलेंट है एस, उसके बाद धा को जंप किया मैंने, ठीक है, साइड में ता और यहां से बेस पे किए, ठीक है। दोनों एक साथ धा बनेगा, फिर धा दूसरा वाला धा पीछे की तरफ आया एस धा धा टी, ठीक है। दूसरा धा पीछे आया और की हमने दूसरी तीसरी उंगली से यहां बजाया, ठीक है, सियाही के ऊपर चांटी पे एस धा धा टी धा, यही चीज तीन बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट वाला जो धा आएगा वो हमारा सम होगा, ठीक है। एस धा धा टी धा एस धा धा टी धा एस धा धा टी धा, लय मतलब आप अगर कुछ भी बजा रहे हैं तो आपके दिमाग में लय चलती रहनी चाहिए कि मैं किस लय में बजा रहा हूं, उस मतलब लय तो हर टाइम अगर आप चल भी रहे हैं कुछ भी काम कर रहे हैं तो लय को दिमाग में रखें अगर आप म्यूजिक से जुड़े हुए हैं तो, क्योंकि अगर लय आपके बिल्कुल माइंड में रहेगी तो आप कोई भी चीज़ कभी भी कितनी भी लय में कर सकते हैं, ठीक है। लय समझने की चीज़ है, इससे हटके अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लय में नहीं है तो बेकार है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये है दोनों की थोड़ा बजा के दिखा देता हूँ, ये हो गई दूसरी।
तो बहुत सारी हैं दुनिया भर की, मैं पहले भी बहुत सारी आपको बता चुका हूँ। इतना भी अगर आप प्रयोग करते हैं जितना मैं बता चुका हूँ, अगर इतना भी अगर आप बजा रहे हैं तो आप बहुत काम बजा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। लेकिन ये परफेक्ट तरीके से अगर उसका यूज किया जाए, सीखा जाए और समझा जाए उस चीज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करके आगे जरूर बताएं कि आगे कैसे वीडियोस आप देखना चाहते हैं, क्या चीज़ सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट करेंगे, उसके आधार पर ही मैं वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। बाकी आप ढोलक तबला हारमोनियम कुछ अगर बाई करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो अमेजन से आप डायरेक्ट बाई कर सकते हैं, जिसका कि मैंने लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं आप। हारमोनियम तबला ढोलक आपके बजट के अनुसार लिंक मैंने दिए हुए हैं, आप डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। तब तक के लिए अपने अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको कि हाँ मैं प्रैक्टिस कैसे कर रहा हूँ या फिर मेरे को कुछ भी कन्फ्यूजन अगर है तो उसके लिए कमेंट आप कर सकते हैं, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूँगा। या फिर मैं अक्सर आप पहले मैं बहुत ज़्यादा मतलब इतना ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं देता था तो थोड़ा मेरे पे टाइम रहता था तो मैं बराबर सबका रिप्लाई करता रहता था, लेकिन अभी थोड़ा मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं सभी का रिप्लाई करूँ, इसलिए मैं वीडियोज़ में ही सबका मतलब उसके कमेंट में सबके पढ़ता हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो उसके लिए अक्सर मैं फिर आपकी वीडियो में ही बता देता हूँ कि जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो उसके आधार पर भी मैं अक्सर वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।